नमस्कार, वेलकम टू स्प्रिंग बर्ड किचन। आज हम बनाएंगे शाही पुलाव और ये पुलाव खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं शाही पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने यहाँ पे एक कप लौंग बासमती चावल लिए हैं और इन्हें आधे घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगो के रख दिया है। और अब इन चावलों को एक पतीले में डाल लेंगे। और ये एक कप मैंने चावल लिए थे, तो अब मैं डेढ़ कप पानी डाल दूंगी इसमें। आप जितने भी चावल लें उसका डेढ़ गुना पानी उसमें डाल लें। और अब इसमें आधा छोटा चम्मच बटर डाल देंगे और धीमी आंच पे हम इन्हें 7 से 8 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और 7-8 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, चावल अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल खिले खिले से बने हैं। और अब हम इन्हें एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि अगर कोई पानी इसमें बचा है तो वो निकल जाएगा। चावल अब बनकर तैयार हैं। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। 10 से 12 काजू ली हैं, 15 से 20 किशमिश हैं, कुछ साबुत मसाले हैं, एक बड़ी इलायची इसे तोड़ लिया है, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 लौंग, 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच जीरा और 1 फूल चक्र लिया है। ये कुछ उबली हुई सब्जियां हैं जिसमें 1 गाजर, थोड़े से मटर और थोड़ी सी फूल गोभी ली है, इन्हें पहले से ही उबाल लिया था। और थोड़ा सा पनीर है, ये कच्चा पनीर है। 1 मीडियम साइज का प्याज है, इसे लंबाई में पतला पतला काट लिया है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 15 से 20 केसर के धागों को 1 बड़े चम्मच दूध में भिगो के रखा है, 2 से 3 बड़े चम्मच घी लिया है, गार्निश के लिए थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज लिया है, थोड़े से अनार के दाने और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब एक पैन में घी डाल लेंगे और काजू को फ्राई करेंगे। काजू और किशमिश दोनों को एक साथ नहीं डालेंगे, पहले काजू को फ्राई करेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे और ये अब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब किशमिश को डाल देंगे और इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे और अब इन्हें भी निकाल लेंगे। और अब इसी घी में सारे साबुत मसाले डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे। और अब इसमें स्लाइस करा हुआ प्याज डाल देंगे और इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसी घी में हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को सुनहरा होने तक भून लेंगे और अब इसमें सारी उबली हुई सब्जियां डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला के 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और अब इसमें ये पके हुए चावल डाल देंगे और ये केसर वाला दूध भी इसमें डाल लेंगे, इससे इन चावलों में अच्छा सा केसरी कलर आ जाएगा। और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें फ्राई किए हुए काजू और किशमिश डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। और ये शाही पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप सर्व करें।
और ऊपर से थोड़े से काजू और किशमिश डाल देंगे। और ये जो गार्निश के लिए हमने फ्राई किए हुए प्याज, हरा धनिया और अनार के दाने लिए थे वो भी डाल देंगे। और लीजिए, बनकर तैयार है शाही पुलाव। इन्हें आप बनाइए और खाइए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।